चेहरा चमके और खूबसूरती निखरे, ये ख्वाहिश आज हर किसी की है, लड़का हो या लड़की, फिर चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, पर सच मानिए तो ये काम हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एटमी ने हमारे लिए न्यूली स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, जिनको यूज़ करके हम हमारे चेहरे की चमक को बरकरार रख सकते हैं और हमारी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। और लिटरली मैं आपको बताऊं, जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे ना, तो आपको स्किन बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, पर आपको ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी फीलिंग दिलाएंगे और आपको ये प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आएंगे। सो अब तक तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि मैं किन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे एटमी रोज रेन मिस्ट, जो कि न्यूली लॉन्च रेंज है, और सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा सन केयर प्रोडक्ट, जो कि है एटमी सनस्टिक। सो मैं अर्जू, एटमी सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर, आप सबका वेलकम करती हूँ आज के हमारे इस वंडरफुल सेशन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है, और ऑलमोस्ट मैं पिछले 10 दिनों से इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, और 10 दिन के अंदर ही ये दोनों ही प्रोडक्ट्स से मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग, ग्लोई और सॉफ्ट मेरी स्किन हो चुकी है। सो जो भी इन प्रोडक्ट को यूज़ करेगा ना, वो इस प्रोडक्ट का फ़ैन हो जाएगा, और जब भी आप इनको यूज़ करते हो तो आपका मन बार बार करता है कि मैं बार बार इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करूँ। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या है, किस तरह से आपकी स्किन को बेनिफिट करते हैं, हमें इनको क्यों यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमी रोज रेन मिस्ट की। सो इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मिस्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली मिस्ट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मिस्ट क्या होता है या इसका क्या वर्किंग होता है। जो लोग रिलीजियसली अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं या स्किन की हेल्थ को लेकर सीरियस होते हैं, कहीं ना कहीं उनके स्किन केयर रूटीन में मिस्ट ज़रूर पार्ट होगा, बट बहुत से लोगों को नहीं पता। फेस मिस्ट कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और ब्यूटी की दुनिया में दिन ब दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इंस्टेंटली हमारी स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करता है और हमारी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। ये जो है हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ये हमारी स्किन को फ्रेश करता है, रिफ्रेश और तरोताज़ा करने में मदद करता है। साथ ही में ये प्री मैच्योर एजिंग से भी बचाता है, क्योंकि जब हमारी स्किन में हाइड्रेशन रहता है तो हमारी स्किन पर रिंकल्स जल्दी नहीं आते हैं। सो हाइड्रेशन इज़ द सीक्रेट ऑफ रिंकल फ्री स्किन। मिस्ट की बात करें तो ये एक तरह का स्प्रे होता है, इसमें काफ़ी सारे हर्ब्स, नरिशिंग ऑयल्स और अलग अलग तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है, जो आपकी स्किन को बेनिफिट करता है। और सबसे अच्छी बात जो इस मिस्ट की होती है ना, कि ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए सूटेबल है। इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं होती है कि मेरे स्किन को सूट करेगा या नहीं, या मेरी स्किन को अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। व्हाटएवर आपका स्किन टाइप हो, चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, हर स्किन के लिए जो मिस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है और इजीली सूट भी हो जाता है। एटमी रोज रेन मिस्ट की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग में आता है, बाहर की इसकी एक बॉक्स पैकेजिंग आती है, उसके अंदर बॉटल होती है, और ये आपको 130 ml की क्वांटिटी में मिलता है। इन्फ्यूज्ड विद सूदिंग रोज वाटर फॉर फेस एंड बॉडी, नेचुरल रोज वाटर से मिलके बना हुआ है। और जब आप इसको यूज़ करते हैं, मतलब कि जब आप इसको स्प्रे करते हैं ना, तो एक पल के लिए, क्योंकि आंखें तो हमारी बंद होती हैं, सो एक पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल गुलाब की बारिश हुई हो। जब भी हम कहीं भी, जैसे गुलाब के फूल या कहीं ऐसा कुछ बगीचा या कोई फ्लावर प्लांट होता है, जब हम उसके पास जाते हैं और जब रोज़ की हम जब खुशबू लेते हैं, तो एक पल के लिए हमारा मन बहुत खो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग और सूदिंग हम जो रोज़ होती है खुशबू में खो जाते हैं। तो बिल्कुल सेम वैसी जब आप इसको स्प्रे करते हैं ना, तो पल भर के लिए आप ऐसा खो जाते हैं कि गुलाब की बारिश हुई, आपको बहुत अच्छी रोज की सूदिंग वाली फ्रेग्रेंस और खुशबू आती है। और एग्जैक्टली अगर आप मिस्ट को समझना चाहते हैं कि ये क्या काम करता है, तो जैसे आपने देखा है हमारी प्रकृति में जब बारिश होती है तो कितनी हरी भरी हमारी प्रकृति हो जाती है, हमारी प्रकृति में जान आ जाती है। तो एग्जैक्टली ये भी वही आपके स्किन पर काम करता है, क्योंकि अभी समर्स का टाइम है, हम लोग बाहर होते हैं तो हमें बार बार प्यास लगती है, और जब हमें पानी नहीं मिलता तो हमें कितनी बेचैनी होती है, हम बहुत ज़्यादा डल, हमें एनर्जी नहीं होती है, और पानी मिलता है तो इंस्टेंटली हम लोग एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो सेम चीज़, जब भी आपको ऐसा अपनी स्किन को डल जैसा फील होता है, जब आप इसको स्प्रे करते हैं ना, तो ये इंस्टेंटली आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है।
असेंशियल मिस्ट है जो कि सारे काम करता है। ये एज लाइक टोनर का भी काम करता है आपकी स्किन को, एसेंस का भी काम करता है, एक तरह से इसको सीरम स्प्रे भी बोलते हैं कुछ लोग। न्यूट्रिशन भी आपके स्किन को देता है, सो लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन करता है। जब आप इसको यूज़ करते तो लंबे समय तक हाइड्रेशन बनाता है। नेचुरल रोज़ वाटर है, उसके साथ ही इसमें 6 एक्सट्रैक्ट्स को और ऐड किया है जो कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं, जो इस मिस्ट की जो क्वालिटी है ना उसको और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। इसके यूनिक फीचर्स की बात करें तो इसमें कोई भी बेंजोफेनॉन नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई आर्टिफिशियल सेंट या फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी इसमें सल्फेट ऐड नहीं किया और कोई भी मिनरल ऑयल ऐड नहीं किया है। नेचुरल रोज़ वाटर और उसके साथ में कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं उसके साथ मिलकर इस मिस्ट को बनाया गया है। इसकी सबसे ख़ास बात जो है ना वो है इसकी बॉटल। जब आप इसको मिस्ट को स्प्रे करते हैं ना तो बिल्कुल फाइनर वाटर पार्टिकल्स निकलते हैं, जिससे कि अगर आपने मेकअप के ऊपर भी इसको स्प्रे किया तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि आपका मेकअप ख़राब हो सकता है, स्मज हो सकता है, उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे और मेकअप के ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जब आप इसको स्प्रे करते हैं ना तो इसका जो मिस्टी स्प्रे जो लेयर होता है ना वो इमीडिएटली आपके स्किन पर हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है और कूलिंग सूदिंग इफेक्ट आपको मिलते हैं रोज़ वाटर के। सबसे यूनिक पॉइंट ये है इस बॉटल का कि जब भी आप इसको स्प्रे करते हैं तो आप किसी भी एंगल किसी भी पोजिशन से स्प्रे करेंगे तो एक जैसे ही निकलेगा। जैसे आपने ऐसे स्प्रे किया, ऐसे स्प्रे किया, ऐसे स्प्रे किया, तो एक जैसी पोजिशन में एक किसी भी एंगल से आप करेंगे एक जैसी पोजिशन में इसका स्प्रे निकलेगा। सबसे यूनिक बात यह है कि 99.6% कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। इसके लास्ट ड्रॉप तक आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डीओ वगैरह लेकर आते हैं तो वो क्या होता है, उनमें आधी तो गैस सी फीलिंग होती है और जब वो नया नया रहता है तो हम उसको स्प्रे कर पाते हैं इजीली, बट जो लास्ट का पार्ट बचता है वो बॉटल में हम शेक करके फील कर पाते हैं कि हाँ लिक्विड है, बस उसको स्प्रे नहीं कर पाते। बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लास्ट ड्रॉप तक इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें 6 नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि रोज़ वाटर है जो कि आपके स्किन को कामिंग एंड सूदिंग वाले इफ़ेक्ट्स देता है। एलो वाटर इसमें यूज़ किया है जो आपके स्किन को स्ट्रेस रिलीफ दिलाता है, कामिंग इफ़ेक्ट्स आपके स्किन को देता है और एलोवेरा के स्किन को लेकर बहुत सारे मल्टी स्किन बेनिफिट्स होते हैं। लेवेंडर एक्सट्रैक्ट है, सेंटिला एक्सट्रैक्ट है, फिग एक्सट्रैक्ट है जो आपके स्किन में एज ए स्किन ट्रीटमेंट काम करते हैं। बैम्बू वाटर इसके अंदर है जो आपकी स्किन को क्लीन करते हैं, प्योर करने में मदद करते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट को कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे किन किन तरीकों से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला, जब भी आप अपने स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो उसके पहले आप हमेशा मिस्ट को स्प्रे करें। सो उससे क्या होगा कि आपका मॉइस्चराइज़र ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और लॉन्ग डे तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ रहेगी। आपका जो डे स्किन केयर रूटीन होता है तब आप इसको लगा सकते हैं, आपका नाइट स्किन केयर रूटीन होता है तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मेकअप जब भी आप अप्लाई करते हैं तो हमेशा मेकअप के पहले आप इसको स्प्रे करें, तो उससे क्या होगा कि आपका मेकअप जो है बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होगा और आपका मेकअप फ्लॉलेस भी दिखेगा और स्किन ग्लो भी करेगी। मेकअप के बाद भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, स्मच नहीं होगा, क्योंकि फाइन वाटर पार्टिकल्स है इसका स्प्रे। और ये जो रोज़ रेन मिस्ट है इसको आप एज अ सेटिंग स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब भी हम लोग मेकअप करते हैं तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग के लिए हम लास्ट में सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं, जो कि केमिकल्स होता है और कहीं ना कहीं स्किन को डैमेज करता है। बट ये आपका नेचुरली सेटिंग स्प्रे का काम करेगा, जिससे आपका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप चलेगा। जब भी आपको ऐसा फील होता है आपकी स्किन डल है, आपको रिफ़्रेश करना है, उस टाइम आप इसको स्प्रे करें। 3 से 4 सेकंड आपको लगेंगे और 3 से 4 सेकंड में ये आपके स्किन को अगेन रिफ्रेश करेगा, ग्लोई आपके स्किन को बनाएगा। कई बार ऐसा होता है हम सुबह तो रेडी होकर घर से निकलते हैं बट इवनिंग टाइम में या दिन दोपहर में कभी भी हमें किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़े या अचानक कोई प्लान प्रेजेंटेशन आ जाता है, सो उस समय अगर हमें लगता है कि हमारी स्किन डल है तो आप इसको तुरंत अपने फेस पे स्प्रे कीजिए और इंस्टेंटली आपकी स्किन ग्लो अप हो जाएगी और आप अपनी मीटिंग प्रेजेंटेशंस के लिए रेडी हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसको आप एज अ बॉडी मिस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सो उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। आप बॉडी मिस्ट की तरह इसको यूज़ करें, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आपको आएगी, रिफ्रेशमेंट आपको इस प्रोडक्ट से मिलेगा। इस प्रोडक्ट को आप एज अ हेयर स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है ना, हमें 2 डेज हो चुके हैं हेयर वॉश किए और आज हमें हेयर वॉश करना है, बट हम कोई ऐसा अर्जेंट काम आ जाता है, हमें बहुत जल्दी रहती है। सो उस समय अगर आप इसको एज अ हेयर मिस्ट यूज़ करेंगे तो ये आपके हेयर्स को भी थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी आपको फ्रेग्रेंस आएगी और आपके जो बाल हैं वो भी मैनेजेबल रहेंगे। साथ में इसको एज अंडर आर्म्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो अंडर आर्म्स में स्मेलिंग का प्रॉब्लम होता है वो भी आपको इससे नहीं होगा, आपको फ्रेग्रेंस आएगी और एज अ परफ्यूम का भी काम कर जाएगा। आफ्टर शेविंग, मेल पर्सन जब आप लोग शेविंग करते हैं तो शेविंग के बाद भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। सो उससे ये क्या करेगा, आपको बहुत ही सूदिंग सा इफ़ेक्ट्स देगा, क्योंकि शेविंग के बाद थोड़ा सा स्किन इरिटेशन होती है, तो आप जब इसको स्प्रे करेंगे तो आपकी स्किन को कामिंग और सूदिंग से इफ़ेक्ट्स देगा। सो ये तो हमने बात की एटमी रोज रेन मिस्ट के बारे में। इस प्रोडक्ट को और डिटेल में जानने के लिए, इसके फ़ायदों को जानने के लिए आप खुद इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि वाकई में ये प्रोडक्ट्स कितना कमाल का है, एक बॉटल और कितने सारे बेनिफिट्स करती है, कितने सारे काम करती है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, वंस आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये तो हमने बात की रोज रेन मिस्ट के बारे में, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। गर्मी के मौसम में तेज धूप और सूरज की हार्मफुल रेज मीन्स यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिससे कि हमारी स्किन ख़राब होने लगती है, हमारी स्किन पर टैनिंग, रैशेस, सनबर्न हो जाना, पिगमेंटेशन हो जाना, अनइवन स्किन टोन हो जाना, पैचेस स्किन होना, स्किन डार्कनिंग जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। सनस्क्रीन भी मार्केट्स में बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, जैसे कि आपने देखा होगा सनस्क्रीन क्रीम्स आती हैं, लोशन के फॉर्म में भी आती हैं, जेल सनस्क्रीन आती हैं, स्प्रे फॉर्म में भी सनस्क्रीन आती हैं। सो अगर आप इनको यूज़ करके थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहे हैं और सनस्क्रीन में कुछ न्यू और यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, कुछ क्विक एंड ईजी सा आप सर्च कर रहे हैं, सो आपके लिए एटमी ने न्यूली सन केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि है एटमी सन स्टिक। जी हाँ, स्टिक फॉर्म में सनस्क्रीन है और ये इस तरह से बॉक्स पैकिंग में आता है। इसके अंदर आप देखिए कितना क्यूट सी पैकेजिंग में रोल ऑन एटमी ने सनस्टिक लॉन्च किया है। इजी टू कैरी है, कहीं भी आप पॉकेट में रख लो, पर्स में आप डाल लो। स्ट्रॉन्ग यूवी प्रोटेक्शन आपको देता है, 50+ SPF के साथ है और PA++ फॉर्मूला है, PA++++, जो कि हाइएस्ट यूवी प्रोटेक्शन आपको देता है। 15 grams आता है और सबसे खास बात यह है, बस ऐसे ओपन करो, रोल ऑन करो और इसको अप्लाई कर लो, यूवी प्रोटेक्शन ले लो, तो कितना इजी एंड क्विकली है। सो चलिए अब हम जानते हैं एटमी सन स्टिक के कुछ यूनिक फीचर्स और इसको कैसे यूज़ करना है या आपको क्या क्या बेनिफिट करेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे यूनिक फीचर है इस ऑल इन वन सन स्टिक का कि ये बहुत ही सॉफ्ट आपकी स्किन को बना देती है, बहुत ही सॉफ्टली आपकी स्किन में एप्लीकेशन हो जाता है, नॉन स्टिकी फॉर्मूले से बनी है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती, मॉइस्चराइज करती है स्किन को अंदर से, सुपर स्ट्रॉन्ग यूवी प्रोटेक्शन देती है, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, रिंकल्स को इम्प्रूवमेंट करती है। अगर आपको रिंकल्स का प्रॉब्लम है या अगर आप चाहते हैं कि आपको रिंकल्स ना हो, तो रेगुलर बेसिस पे आप इसको अपने रूटीन में यूज़ करें। और जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी स्किन पर एक अलग सा ही वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट ये देती है। बहुत सारे लोग सनस्क्रीन इसीलिए भी यूज़ नहीं करते हैं कि उसको लगाने के बाद चेहरा थोड़ा सा डल या थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, मतलब डलनेस आ जाती है चेहरे पर, ब्राइटनिंग इफेक्ट नहीं आता। बट जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक अलग सा ही रेडियंट ग्लो आपके फेस पर आएगा। सो इसके एक और यूनिक पॉइंट की हम बात करें तो हाइएस्ट यूवी प्रोटेक्शन फैक्टर है कोरिया का, SPF 50+ PA++ फॉर्मूले के साथ है, जो कि आपको यूवी रेस से सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। यूवी रेस बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है यूवीबी रेस जो स्पेशली सनबर्न करती है, और एक होती है यूवीए रेस जो रिंकल्स का बहुत बड़ा रीज़न होती है, क्योंकि डीपली पेनिट्रेट होती है स्किन में। तो जो SPF 50+ है, ये आपको 500 minutes यूवीबी रेस से प्रोटेक्शन देता है, और जो PA++++ फॉर्मूला है, ये आपको स्पेशली यूवीए रेस से प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि हाईएस्ट ग्रेड है। यूवीए रेस डीपली पेनिट्रेट होती है, कॉलेजन को डैमेज करती है, जिससे कि रिंकल्स फाइन लाइंस आती है। सो अगर आप इस सनस्क्रीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सुपर स्ट्रॉन्ग यूवी प्रोटेक्शन देती है, तो इससे आपको सनबर्न का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और अगर रिंकल्स हैं तो उसको भी इम्प्रूव करने में ये बहुत हेल्प करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हैंड्स फ्री है, मतलब कि झंझट फ्री प्रोडक्ट है, आपको
अप्लाई करने का थोड़ा सा ऐसा टेंशन या स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ओपन करना है, रोल ऑन करना है, अपने स्किन पर लगाना है और आपने यूवी प्रोटेक्शन ले लिया। ईजी टू कैरी है, कहीं भी आप इसको अपने साथ ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ज़्यादा स्पेस भी नहीं ये लेगा आपके पर्स में या आपके बैग में। तो बहुत ही ईजी टू कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है। सबसे यूनिक पॉइंट है सनस्टिक का, नो ऑयलीनेस, नो स्टिकनेस, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बनाता है आपके स्किन को। और जिन लोगों का स्किन ऑयली है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर पोरस पाउडर है तो एक्सेस जो भी सीबम प्रोडक्शन होता है, ऑयल प्रोडक्शन होता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब हम सब लोग जानते हैं कि सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए और हम ये भी जानते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई करना चाहिए, बट ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन अगर सनस्टिक आपके पास है तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। लाइट वेट है, सॉफ्टली एप्लीकेशन, बहुत ही सॉफ्टली अप्लाई हो जाता है। सेमी ट्रांसपेरेंट सनस्टिक है, नो वाइट कास्ट, वाइट कास्ट ही बिल्कुल भी नहीं देता। सेमी ट्रांसपेरेंट है तो आप अगर इसको रीअप्लाई भी करते हैं बार बार तो आपको बहुत ही हैवी सा फील नहीं होगा, काफ़ी लाइट वेटेड है तो बहुत ही लाइटली आपके स्किन में लग जाएगा, आपको बहुत हैवी सा फील नहीं होगा। मैटिफाइंग इफेक्ट देता है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है और जब आप इसको लगाते हैं तो आपके स्किन में एक अलग सी ही शाइन आती है। सॉफ्ट और स्मूथ आपकी स्किन को बनाता है, वो भी लंबे समय तक। स्किन कामिंग एंड प्रोटेक्शन इफेक्ट है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके अंदर सैंड लिली इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट देता है। डिफेंसिल है जो कि 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है और ये इंग्रेडिएंट्स मिलकर हमारी स्किन को कामिंग और सूदिंग इफेक्ट्स करते हैं। जब भी हम लोग धूप में जाते हैं, सन एक्सपोजर होते हैं तो हमारी स्किन पर रैशेज हो जाना, सनबर्न या रेडनेस का प्रॉब्लम हो जाता है, इरिटेटिव हमारी स्किन हो जाती है, इरिटेशन होता है हमारी स्किन पर, तो ये जो सनस्टिक है आपको कामिंग और सूदिंग से इफ़ेक्ट्स देता है। सबसे अच्छी बात है कन्वीनियंट सनस्टिक है, कभी भी कहीं भी आप इस प्रोडक्ट को बहुत ईजीली अप्लाई कर सकते हैं और सन प्रोटेक्शन ले सकते हैं। सो अब इसको कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, तो जब भी आप घर से बाहर जाते हैं आप हमेशा सनस्टिक से को अपनी स्किन पर अच्छी तरीके से अप्लाई करें ताकि आपको प्रॉपरली सन प्रोटेक्शन मिले। जब भी आप अपना डे टाइम स्किन केयर रूटीन करते हैं तो स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करने के बाद आप लास्ट में अच्छी तरीके से सनस्टिक को अपने फेस पर अप्लाई करें। आप अपने नेक एरिया पे भी लगा सकते हैं और जो भी पार्ट आपका सन एक्सपोजर हो रहा है, जैसे हमारे हैंड्स पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो धूप है या यूवी रेज है उसके हार्मफुल इफेक्ट से आप अपनी स्किन को बचा सकें और प्रॉपरली सन प्रोटेक्ट आप अपनी स्किन को कर सकें। सबसे अच्छी बात है आप इसको मेकअप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ब्राइटनिंग वाइटनिंग इफेक्ट देता है और लाइट वेट प्रोडक्ट है, तो इससे आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपको सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर निकलते तभी आप इसको अप्लाई करें, अगर आप घर में भी रहते हैं तो भी आप इसको लगाएं, क्योंकि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं और जो लोग सिस्टम पे जैसे लैपटॉप कंप्यूटर्स पे ज़्यादा वर्क होता है तो उससे भी जो ब्लू रेज निकलती है ना, वो भी हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है और रिंकल्स होने के चांसेस जल्दी होते हैं। तो भी अगर आप घर में भी हैं और आप अगर कुछ अपना लैपटॉप पे या मोबाइल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई करें, देन आप अपना वर्क करें तो आपकी स्किन को इससे कुछ भी डैमेज नहीं होगा। सिंपल है, इजी टू यूज़ है, कभी भी कहीं भी यूज़ करके आप यूवी प्रोटेक्शन ले सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ये प्रोडक्ट है। सो वंस आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करें इसके मोर बेनिफिट्स को जानने के लिए, जब आप खुद यूज़ करेंगे ना तब आप इसके इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। सो आज के सेशन में हमने बात की हमारी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने के लिए एटमी रोज रेन मिस्ट और एटमी सन केयर प्रोडक्ट जो कि एटमी सन स्टिक है, इनके बारे में डिटेल में जाना। होप कि आपको आज का वीडियो, आज का सेशन पसंद आया होगा। सो मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। Thank you for watching. Bye everyone. Take care.